बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सा झटपट से तैयार होने वाला मटन ग्रेवी बनाएंगे। जब अचानक आपके मेहमान आ जाए तो आप इस तरह भी जल्दी से ये बना सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 1 किलो हमने लिया है मटन, ये हड्डी के बगैर है। और इसमें डाले हैं जी 3 अदद दरमियाने साथ के प्याज हैं, 2 गठी लहसुन की है, 2 टमाटर हैं, इन्हें 2 पीस कर लिए, और हल्दी है 1/2 टीस्पून और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। ये चीज़ें इकट्ठी हमें डाल के तो उनको प्रेशर लगवा लेंगे, और बाकी जो मसाला हम भूनने के बाद डालेंगे तो वो ये हैं, लाल मिर्च है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 जो तेज़पत्ता, ठीक है, और ये 2 अदद प्याज हैं, दरमियाने शेप में हमने कटिंग कर ली थी, बारीक हमने नहीं की, और 1 लेमन है, इसका हम जूस में डालेंगे। तो चलें सबसे पहले हम ये चीज़ें डाल के तो उसको प्रेशर लगवाते हैं। सारी चीज़ें डाल दी हैं, इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक और 1 गिलास पानी, बंद करके इसे चूल्हे पर रख देंगे। गोश्त को हमने प्रेशर लगवा लिया है। सबसे पहले हम टमाटर के छिलके हैं वो रिमूव करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे हम ऑयल और साथ ही फिर हम इसे भूनेंगे। फिर हम इसे अब इसमें डाल देंगे ये सारे मसाले। अब ये देख लें गोश्त भुन चुका है, गोश्त भुन जाए तो फिर हम प्याज को करेंगे सोते। पैन में हमने डाल लिया थोड़ा सा ऑयल और जो हमने प्याज की कटिंग की थी इसमें हम डाल के प्याज को थोड़ा सा सोते करेंगे। प्याज सोते हो जाए तो इसमें डाल देंगे लेमन जूस, मिक्स करेंगे, फिर इसे डाल देंगे गोश्त में, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट दम लगाने के बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे सब्ज मिर्च की, हम इसे कटिंग करके तो इसके ऊपर डाल देंगे। मटन मसाला रेडी हो चुका है। अल्लाह आप सबको अपने जुमान में रखें, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।